बेगूसराय से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवक को सांप ने डस लिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन वह सांप मृतक को डसने के बाद भी पुलिस जांच और पोस्टमार्टम के बाद तक उसके शरीर में रहा। जब उसका अंतिम संस्कार सिमरिया घाट पर किया जा रहा था, तब उसके शरीर से 2.25 फीट लंबा सांप बाहर निकला। दरअसल चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के कुंभी गाँव के रहने वाले 41 वर्षीय धर्मीर कुमार यादव को 22 अगस्त की रात सांप ने डस लिया। परिजनों ने बताया कि गुरुवार की शाम धर्मीर कुमार अपनी गाय को चारा देने के लिए हरा चारा उठा रहा था। इस दौरान किसी जहरीले जीव ने काट लिया। इसके बाद उसे भगवती स्थान में झाड़ फूक के लिए ले जाया गया, लेकिन भगवती स्थान पर जब हालात बिगड़ने लगे तो ग्रामीणों के सहयोग से इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस मामले की जाँच करने पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 23 अगस्त को जब शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया, उसके बाद शाम को सिमरिया घाट पर अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे। अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लाश को लेटा रहे थे तो चिता के अंदर से अचानक से 2 फीट लंबा सांप निकला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। मौजूदा लोगों ने मोबाइल फोन से तस्वीरें लेने शुरू कर दी। हालांकि इस दौरान सांप को लोगों ने मार दिया। मृतक के शरीर में सांप, झाड़ फूक, इलाज, पुलिस जाँच और पोस्टमार्टम के बाद तक रहा। यहाँ पुलिस जांच और पोस्टमार्टम करने वालों पर बड़ा सवाल है कि मृतक के शरीर से उन्हें सांप नहीं मिला।